हेलो दोस्तों, मैं इकबाल शाहिद। आज मैं आपको, मैंने पहली वीडियो में जो बताया था आपको कि आपने जो कैनवस पे जो ग्राउंड बनाना है, जो पहली लेयर आएगी वो ये आपको बताया था कि इसकी रेसिपी ये है, इसमें फ्लो ट्रेल और ये तमाम पेंट आपको बताए थे। इनको आप दोबारा देख लें और इनको लिख लें आप और अपने रिकॉर्ड में रख लें कि ये तमाम चीज़ें आपने मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद ये आपका ग्राउंड बनेगा, ग्राउंड के लिए, इसमें जितने भी पेंट हैं ग्राउंड के लिए। आज मैं दूसरे जो रेगुलर पेंट हैं, जैसे ये पेंट हैं, इन पेंटों को बनाने के लिए जो, वो आज मैं ये बता रहा हूँ कि इनको आपने कैसे बनाना है एक्रेलिक पेंटों को। अभी मैं आपको ये बताऊंगा एक्रेलिक गोल्ड मटियालिक जो है, ये पेंट जो है ये बिल्कुल एक्रेलिक की तरह है, लेकिन एक मटियालिक पाउडर होता है वो यहाँ पड़ा है। वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको पाउडर बताऊंगा कि पाउडर कैसे मिक्स करना है। आज मैं ये मटियालिक जो गोल्ड है इसके एक्रेलिक में, उसका बताऊंगा आपको और रेड का बाद में, पहले ये बताऊँगा। तो अब आते हैं इसको पेंट को बनाने में। ये देखिए, ये लिख दिया है इसको, ये ब्राइट मेटालिक गोल्ड। दो चमचे मैं ये गोल्ड के डालूंगा इसमें, तो उसके अगेंस्ट फिर मैं दो चमचे फ्लोट्रेल के डालूंगा और दो चमचे ये लिक्विड टेक्स के। ये अब मैं फ्लो ट्रेल डाल रहा हूँ इसमें ये भी दो चमचे डालेंगे। दो चमचे ये पेंट जो है, ये दोनों जो है, इसका क्या है कि जो आपकी बेस बनेगी, ये पेंट जो हम बना रहे हैं, ये जब आप इस पे काम करेंगे तो इसके जो बबल बनेंगे वो बबल ही असल पेंटिंग की जो खूबसूरती है उसको, उस पेंटिंग को नुमाया करने का जो दूसरे पेंटिंग से, दूसरे आर्ट से डिफरेंट, वो बबल ही करते हैं और वही बबल जो है वो उसकी खूबसूरती है। अब ये आपने इसको प्रॉपर मिक्स करना है, क्योंकि इसमें पानी नहीं डलेगा तो इसलिए आपको वो 10 और 15 मिनट वाली बात नहीं है। इसको सिर्फ आपने मिक्स करना है। इसके अंदर अगर पानी होता, पानी अगर आप डालेंगे फिर उसको जो है लॉन्ग टाइम 10 से 15 मिनट तक आपने मिक्स करना है, लेकिन जब आपने पानी नहीं डालना तो इसको सिर्फ मिक्स करना है। वो सेम ही क्वांटिटी है इसलिए ये मिक्स जल्दी हो जाएगा।
ये आपका पेंट अब तैयार हो गया और इसको अब मैं दूसरा पेंट जो है वो मैं आपको तैयार करूंगा, उसका जो है उसका भी रेसिपी यही है, लेकिन उसको एक दफा मैं आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको खुद बनाने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। तो ये देखिए ये पेंट मिक्स हो गया। अब ये हमारा आ गया रेड मीडियम। रेड मीडियम जो है ये एक्रेलिक है, प्योर एक्रेलिक है, और इसमें भी वही रेशियो, वही जो जिस तरह हमने इसको फ्लोट्रेल को डाला, 2 चमचे रेड पेंट एक्रेलिक, 2 चमचे फ्लोट्रेल और 2 चमचे लेटेक्स, यानी बराबर बराबर आपने डालना है, किसी किस्म की वो नहीं कि इसमें कोई वो ज्यादा वो कम। जब मैं हम रेड पेंट पेंट जब डाल रहे हैं इसमें, जब भी आपने पेंट बनाना है आप इस मिकदार में बनाएं कि आप वो 2-3-4 पेंटिंगे बनाने के बाद वो आपके पास ख़त्म हो जाए। लॉन्ग टाइम आपने बने हुए पेंट को नहीं रखना, आप बनाएं उसको यूज करें और ढक के रखें, जैसे तमाम ये पेंट जो हैं, ये तमाम पेंट जो हैं ये कवर हुए हुए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ताकि हवा ना लगे, और प्रॉपर बंद करके कवर करके रखें, लेकिन इतना बनाएं जो आपकी 2-3-4 पेंटिंगों में वो खत्म हो जाए, फिर और बना लें। इसमें भी मैं 2 चमचे फ्लोट्रेल, 2 चमचे मैंने पेंट डाला है, 2 चमचे फ्लोट्रेल डालूंगा। फ्लोट्रेल इज द बेसिक ऑफ द फ्लोट आर्ट। फ्लोट आर्ट के जो बेसिक है, बुनियाद है, वो ये पेंट, ये आपका जो है ये कंडीशनर है, पेंट नहीं है, इट इज द कंडीशनर।
अब हमारा आ गया यूटेंसिल, ये भी हमने दो चमचे डाल दिए हैं। इसको जरा गौर से देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आपने क्या चीज लेनी है और कितनी डालनी है। इसकी भी मिकदार वही उतनी जितना पेंट की मिकदार, जितनी फ्लोरटेल की मिकदार, और उतनी ही मिकदार इसकी होती है। इसको भी आपने, इसमें पानी नहीं है और इसको सिर्फ आपने मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए इसको वो मैथ नहीं है जो पानी में को जो आपको बेसिक का बताया था, तो कम से कम 10 से 15 मिनट जो है वो आपने उसको मिक्स करना है। तो इसमें पानी नहीं है तो इसको आपने रेगुलर तरीके से एक बस जितना ये आप महसूस करते हैं कि ये मिक्स हो गया, तो इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। ये देखिए ये मिक्स हो गया और अब यूज करने के काबिल हो गया है। तो ये बताने का मतलब ये है कि जितने भी एक्रेलिक पेंट हैं उनको बनाने का फ्लूड आर्ट के लिए यही है तरीका, इसी तरीके से बनेंगे ये जितने तमाम पेंट बने हुए हैं, ये जितने ये सारे सब ये आपके एक लाइन लगी हुई है, इनको आपने ऐसे ही मिक्स करना है। इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं है कि इसका अलग तरीका कार है और दूसरे का अलग तरीका कार है। हाँ, जो ये मेटालिक पाउडर है ये आपके ये पड़े हैं, ये देख रहे हैं, ये डब्बियों में नजर आ रहे हैं, ये नीचे बोतलों में, शीशे की बोतलों में, तो ऊपर ऊपर ये हैं, ये मेटालिक पाउडर है। इनको आपने, उनके लिए आपको हैवी जेल लेनी पड़ेगी, वो उसके साथ ही हैवी जेल पड़ी है, वो वाइट जार में देखिए, ये हैवी जेल में जो है ना वो मिक्स होंगे पहले, उसके बाद फिर यही इनमें उसमें वही फ्लोटेल और ल्यूटेक्स फिर उस चीज ना। ठीक है जी, तो ये आज का काम बिल्कुल हो गया। इंशाल्लाह ताला अगला लेसन जो है जो आगाही होगी वो फिर मैं आपको पेंटिंग बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो आज के लिए खुदा हाफिज़।